अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इस करंट अफेयर्स विद उमर। और आज हम मिडिल ईस्ट क्राइसिस के एक और चैप्टर पे बात करेंगे और वो है द जीसीसी एंड कतर क्राइसिस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा आज का टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीसीसी की। जीसीसी स्टैंड्स फॉर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये बेसिक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक यूनियन है अरब स्टेट्स की। जीसीसी 1981 में बनी थी और इसके जो मेंबर्स हैं वो यूएई, कुवैत, ओमान, कतर और सऊदी अरेबिया हैं। तो अब बात करते हैं कि ये क्राइसिस क्या थे और ये क्यों बने। 2012 में कतर ने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया और जब वो इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करेंगे तो डेफिनेटली तरक्की भी करेंगे। कतर ने डिफरेंट मल्टीनेशनल्स को कतर इनवाइट किया, उन्होंने वहाँ पे काम करना शुरू किया। कतर ने बहुत सारी कंट्री के साथ मुख्तलिफ ट्रेड एग्रीमेंट्स किए और जिनके साथ ऑलरेडी ट्रेड एग्रीमेंट्स थे अपनी ट्रेड वॉल्यूम को उनके साथ बढ़ाया। उसके साथ साथ कतर ने टूरिज्म पे काफ़ी काम किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कतर ने अपनी एयरलाइन को जो है वो इन्हेंस किया और कतर एयरवेज का नाम जो है वो दुनिया की टॉप 5 एयरलाइंस में से हैं। हर साल जो भी रिपोर्ट आती है एयरलाइंस के लिहाज से, चाहे वो हम देख लें ऑपरेशंस के लिहाज से देख लेते हैं या रिफंड के लिहाज से या जो फ्लाइट कैंसिल होती हैं उसमें किस तरह जो पैसेंजर्स होते हैं उनको किस तरह केटर करना है, तो कतर एयरलाइंस या कतर एयरवेज जो है वो आपको टॉप 5 में नज़र आएगी। इसके कंपटीशन में कैंटिस है जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, एयर न्यूजीलैंड है, ब्रिटिश एयरवेज है, डेल्टा है। तो इन शॉर्ट कतर की जो इकोनॉमी थी वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने लगी। जब कतर ऊपर जाने लगा तो सऊदी अरब को थोड़ा सा थ्रेट हुआ क्योंकि सऊदी अरब जो है वो बेसिकली लीड करता था जीसीसी को। ये एक एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की। इजिप्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था मुस्लिम ब्रदरहुड। मुस्लिम ब्रदरहुड बेसिकली मार्च 1928 में वजूद में आई और बेसिकली जो मुस्लिम ब्रदरहुड का जो मोटो था वो ये था कि सोशल जो काम है वो किए जाएँ, जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाए, लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको सॉल्व किया जाए। एजुकेशनल प्रोग्राम के साथ साथ जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है या जिसको हम रिलीजियस प्रोग्राम कहते हैं उन्होंने इसको भी मुतारिफ कराया। इवन जब वर्ल्ड वॉर टू थी तो मुस्लिम ब्रदरहुड ने इजिप्ट में प्रोटेस्ट भी किया कि वर्ल्ड वॉर जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए ख़तरनाक है और उसको बंद होना चाहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम ब्रदरहुड की जो पॉपुलैरिटी थी उसमें इजाफा होता गया और कतर के इनके बड़े बेहतरीन ताल्लुकात थे। मुस्लिम ब्रदरहुड ने पॉलिटिकल सेटअप में आने का ऐलान किया और उन्होंने ये कहा कि इस्लाम का किंगशिप के साथ कोई लेना देना नहीं है और अगर मुस्लिम ब्रदरहुड गवर्नमेंट में आती है तो हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करेंगे। ये वही बात थी, अगर आपको याद हो तो हमने ईरान का जब रेवोल्यूशन पढ़ा था तो उसमें भी हमने यही कहा था कि जो रूल ऑफ खामेनाई थे उन्होंने भी सेम, उनका भी सेम यही मोटो था। सऊदी अरब को थ्रेट फील हुआ कि भाई ये बात दोबारा से उरूज पे आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। इवन कतर में भी उस वक्त जो लीडरशिप थी वो बेसिकली किंगशिप ही थी, लेकिन चूंकि मुस्लिम ब्रदरहुड के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे तो कतर ने उनके सामने ताल्लुकात ख़राब नहीं किए। कतर उनको सपोर्ट करता रहा जबकि सऊदी अरब उनकी अगेंस्ट आ गया। ये दो रीजंस। इसके अलावा कतर और ईरान जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड बना रहे हैं जिसको साउथ पार्स नॉर्थ डोम गैस कंडेंसेट फील्ड कहा जाता है। ये अगले 10 साल में कंप्लीट होगी और ये गैस फील्ड जो होगी वो 40% ऑफ द वर्ल्ड को गैस प्रोवाइड करेगी। इन शॉर्ट कतर की इकोनॉमी और ऊपर जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि कतर जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है एलएनजी का, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और हर साल तकरीबन 77 मिलियन टन जो गैस है वो कतर प्रोड्यूस करता है। ये मैंने आपको बता दिए तीन रीजंस कि कतर और जीसीसी क्या मामला थे। एक बात मैं आपको बता दूं कि जितनी भी मैं आपको रीजंस बताऊंगा, 2017 में कतर को जीसीसी से निकाल दिया गया था। अब यूएई, इजराइल और यूएस इन्होंने मिलकर प्लान किया था कि हम ईरान पे अटैक करेंगे। इनकी जो कॉन्वर्सेशन थी वो बेसिकली ईमेल के थ्रू थी और ये ईमेल लीक हो गई और अलजजीरा ने इसको कवरेज दी। अब एक बात आप देख लें कि अलजजीरा जो है वो बेसिकली कतर की न्यूज़ एजेंसी है, तो ये यूएई की बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन थी कि उनका ही एक जो साथी मेंबर है वो उनकी ही न्यूज़ एजेंसी ने ये बात कर दी, तो यूएई को काफ़ी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
कतर ने इनवाइट किया था यूएस और तालिबान को कि आप आए और यहाँ पे पीस टॉक्स करें, लेकिन सऊदी अरब और यूएसए ने कतर को इनकार किया और कतर पे इल्ज़ाम लगाया कि कतर जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। अब ये बात तो सऊदी अरब ने कर दी, लेकिन 2019 में जब अबू धाबी में टॉक्स हुए थे बिटवीन तालिबान एंड द यूएस डेलीगेशन, तो यूएस ने कहा था कि अगले टॉक्स हम सऊदी अरब में करेंगे, लेकिन तालिबान ने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने क्लियरली कहा कि बात अब अगर होगी तो कतर में होगी, और उन्होंने सऊदी अरब जाने से साफ इनकार कर दिया, और यही हुआ कि जो अगले टॉक्स थे वो कतर में हुए। ये एक और बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन थी यूएस के लिए भी और सऊदी अरब के लिए भी। क्यों? क्योंकि जिस कतर को उन्होंने लेबल किया कि ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, आप वो वहीं पे जाके उनको टॉक्स करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन का सामना तब करना पड़ा कि जब पीस डील साइन करनी थी, जो दोहा अकॉर्ड हुआ वो कतर में ही हुआ 29 फरवरी को, और उसमें पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया था। सऊदी अरब को हर जगह ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा, और फिर सऊदी अरब ने ये डिसाइड किया कि ये जो 3.5 साल से हमने कतर को जीसी से बाहर रखा हुआ है, चूँकि कतर की इकॉनमी काफ़ी ऊपर जा रही है, सेकेंडली कतर के डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ स्ट्रॉन्ग है, तो अब हमें कतर को दोबारा जीसीसी में शामिल करना पड़ेगा। और 5 जनवरी 2021 को जीसीसी का एक समिट था सऊदी अरेबिया में, उन्होंने साइन किया सॉलिडारिटी एंड स्टेबिलिटी एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट के तहत कतर को दोबारा से जीसीसी का हिस्सा बना दिया गया। तो जितनी रीजंस हमने पढ़ी, चाहे वो इकॉनमी जो कतर की थी ऊपर जा रही थी, मुस्लिम ब्रदरहुड की हमने बात की, लीक्ड ईमेल की हमने बात की, अलजीरा की कवरेज की बात की, यूएसए और तालिबान का जो इशू हुआ उसकी बात की, तो कतर सब में इन्वॉल्व रहा। लेकिन कतर जब 2017 में बाहर आया उसके बावजूद उसने अपना काम जारी रखा, और फिर 2021 में वो दोबारा से जीसीसी का हिस्सा बन गया। सो ये हमारा एक सेकेंड लास्ट पोर्शन था मिडिल ईस्ट क्राइसिस से रिलेटेड। एक हमारा टॉपिक रह जाता है, दैट इज सऊदी अरब ईरान रिलेशंस एंड द रोल ऑफ पाकिस्तान एज अ मीडिएटर। इंशाल्लाह ताला उस पर अपनी कमिंग वीडियोज़ में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।